साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपोजिशन से गैर मशरूत मुजाकरात का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, मुकदमात और अज खुद नोटिस की कार्रवाई का सामना कर चुका हूँ, मुल्क के मफाद की खातिर सबको माफ करके पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जमहूरियत की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। नवाज शरीफ को सजा और इमरान खान को जमानतों पर जमानतें मिलना निजाम की खराबी को वाज़े करता है। वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अगर सब अच्छा होता तो जस्टिस काजी फायज ईसा का मुसव्वदा ना आता। इत्तेहादी हुकूमत इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है, जल्द नया बिल ऐवान में लाएंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का अजलास, विफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी पर वजारत खजाना की समरी बिल की सूरत में कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दे दी। अजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास में कानून साजी के अमूर पर भी मशावरत। इलेक्शन कमीशन को रकम जारी करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की डेड लाइन का आज आखिरी रोज़।